अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना के किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट बार केक। आप सोचोगे कि चॉकलेट बार केक बना रहे हैं और बिस्किट क्यों रखे हैं, तो आज हम बनाएंगे बिना मैदा, बिना एग, बिना ईस्ट और बिना ओवन केक। तो बहुत ही इजी है, ये कुकर में भी हम केक बना सकते हैं। मैं बड़े कढ़ाई में बना के आप लोगों को बताऊंगी कि हम केक किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही इजी है। तो उसके लिए मैंने ले ली है मारीगोल्ड बिस्किट और ये है टाइगर बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर आपके पास में ये वाला बिस्किट ज़्यादा है तो आप इसके अंदर कोको, एक टेबल स्पून कोको पाउडर डाल सकते हैं, तो उससे चॉकलेट फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए हम बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसके अंदर हम बिस्किट को इस तरीके से तोड़ के डाल लेंगे और बारीक इसका एक हम पाउडर बना लेंगे। एकदम इजी रेसिपी है, देखना आप लोग, ये लॉकडाउन में बहुत चली थी रेसिपी। मैंने सोची मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ये रेसिपी भी। ये टोटल बिस्किट 250 ग्राम था, 250 ग्राम हमने बिस्किट लिए थे। बिस्किट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है तो उस हिसाब से हम लेके 250 ग्राम कर सकते हैं। अब इसके अंदर शक्कर डालेंगे हम। मैं इसमें 5 टेबल स्पून शक्कर डालूंगी। आप जितना मीठा खाते हैं आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि बिस्किट भी मीठा होता है ना। इसके लिए तो 3 टेबल स्पून हो गई, ये 4 और एक ये 5 बस। अब इसको हम फाइन पीस के लेके आ जाते हैं। बिस्किट को हमने बारीक पीस लिए देखिए, और इसको एक बॉल में मैंने निकाल ली हूँ। और बटर को मैंने मेल्ट करके रख ली थी, इसमें हमें बटर ही डालना है, ऑयल नहीं डालना है। नहीं तो ऑयल डालेंगे तो हम वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और उस पर चॉकलेट बराबर से बैठेगी नहीं। तो 4 टेबल स्पून मैंने ये बटर ले ली हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बैटर को हमें पतला नहीं करना है। ये बैटर एकदम थिक रहता है, सॉफ्ट नहीं रहता इसका बैटर, तो इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। और ठीक है तो थोड़ा हम और डालेंगे और मिक्स करेंगे। क्योंकि बिस्किट है ना, तो दूध डाल रहे हैं तो वो फूलते जा रहा है। ये देखिए, इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए, ये ऐसे गिरने चाहिए। तो बैटर हमारा बहुत ही बढ़िया बना है, इससे ज़्यादा हमें पता नहीं करना, बस बैटर इसी तरीके का। इसको मैं ढक के सेट में रख देती हूँ और कढ़ाई को हम प्रीहीट करने चलते हैं। कढ़ाई को देखो मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दी हूँ, और इसके अंदर मैंने कोई नमक नहीं बिछाई हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टैंड को ऐसे उल्टा करके रख दी हूँ। इसके ऊपर हम अपना जो बेकिंग ट्रे है वो रखेंगे। अब इसको ढक के हम रख देते हैं जब तक का बेकिंग ट्रे को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल डाल के। ये बेकिंग ट्रे ले ली हूँ मैंने, आपके पास जैसी ट्रे है आप उसमें केक बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इससे केक चिपकेगा नहीं। और इसको ब्रश की मदद से हम इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अच्छे से लगा लेंगे। अब इसमें हम बेकिंग सोडा ले ली मैंने, इसके अंदर ये डालेंगे। कितना डालेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ बेकिंग सोडा जाता है इसके अंदर। देखो 1/4 टीस्पून है ये छोटा वाला, इसको हम डालेंगे। और थोड़ा सा दूध डालेंगे इसको एक्टिवेट होने के लिए।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें मिक्स करना है इसको। अब बेकिंग ट्रे में हम बैटर को डाल लेंगे अच्छे से। कढ़ाई में हमने बेकिंग ट्रे को रख दिए हैं। अब इसको हम 35 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 35 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और स्लो आंच पे रखना, फास्ट आंच पे नहीं रखना, नहीं तो केक हमारा जल जाएगा और सही से पकेगा नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए हम इसको ढक्कन रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम केक को चेक करेंगे। केक ऐसा बना है, एक बार मैंने चेक करी थी तो थोड़ा कच्चा था, ये देखिए क्लीन आई है बिल्कुल, और इसका मतलब केक बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद करूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हम केक जो है वो ठंडा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। एक ढक्कन ले ली मैंने, इसके ऊपर निकाल लेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से केक कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट है, और देख सकते हैं आप चारों तरफ से, देखिए आप केक कितना ज़बरदस्त और अच्छा बना है ये। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट रखेंगे, वो कैसे रखेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इसका जो ये ऊपर का ऐसा है ना, ये थोड़ा उठा हुआ सा लग रहा है, तो इसको मैं हल्का सा काट लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, जिससे कि चॉकलेट हमारी अच्छे से रखी जाए। इतना बढ़िया बना है ना, देखिए एयर एयर जैसे कैसे आ रहा है इसके ऊपर, एकदम सॉफ्ट और अच्छा पंच बना है। देखिए बहुत ही मज़ेदार केक बना है ये। ये देखो इस तरीके से मैंने कट कर ली हूँ। अब ये वाली चॉकलेट हम इसको ऐसे रख देंगे, बिल्कुल परफेक्ट बना है ना। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कढ़ाई के अंदर हम वापस रखेंगे, जिससे कि चॉकलेट थोड़ी मेल्ट हो जाए और केक के ऊपर चिपक जाए अच्छे से। केक को मैंने कढ़ाई के अंदर डबल से रख दी हूँ, जिससे कि हमारी चॉकलेट केक को अच्छे से चिपक जाए, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस ढक के रखेंगे हम इस तरीके से। देखिए बस चॉकलेट देखिए हमने केक के ऊपर रख के 2 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा केक के ऊपर चिपका ली हूँ। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसे डिश आउट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट बाहर बन के रेडी हो गया है, कितना ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है ना, कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है ये। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।